तथा स्वामी जी का आशीर्वाद तो हमेशा हम सबके साथ है, पूरे देश के साथ है, जिन्होंने अपनी शक्ति ऊर्जा और पूरी तपस्या इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अर्पित किया। मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि उस आवाज़ को और हमें इतनी शक्ति दें आप, इतनी बुलंद करें कि हम सब लोग भी आपके साथ इस लक्ष्य तक आपके साथ चल सकें। श्रद्धेय स्वामी जी, ओम ओम। मैं आपकी सबकी भावनाओं को, आपके हृदयों में छुपी ज्वाला को, आपके हृदय में जग रहे संकल्प को और उस धधकती हुई आग को प्रणाम करता हूं। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति ने जो राष्ट्र को आरोग्य और चरित्र देना चाहता था, ये आज भी हमारा ध्येय है कि हम इस देश को आरोग्य देंगे और भारत को आध्यात्मिक भारत बनाएंगे। हम योग तो सिखाएंगे लेकिन साथ साथ देश को भी बचाएंगे। हम योग भी सिखाएंगे, भ्रष्टाचार भी मिटाएंगे। हम योग भी सिखाएंगे और काला धन भी हिंदुस्तान में लेकर के आएंगे आखिरी सांस तक। भारत माता की, भारत माता की। भाई बहनों, बहुत देर हो चुकी है। आप सुबह की उगते हुए सूरज की धूप में बैठे थे और अब ढलते हुए सूरज की, अब बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की छांव आप पर आ गई है, लेकिन इसके बावजूद आपके भीतर जो दृढ़ता है, आपके भीतर जो अनुशासन है और जो आपके भीतर राष्ट्र के प्रति निष्ठा है, उस आपकी योग निष्ठा को, गुरु निष्ठा को, राष्ट्र निष्ठा को, सत्य निष्ठा को और इस देश को सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए जो आप आए हो, उसको मैं खुद हृदय से प्रणाम करता। या मंच पर बैठे हुए सभी मेरे श्रद्धेय वंदनीय गुरुवर, संत महापुरुष, मैं एक एक का नाम उच्चारण करूं तो बहुत वक्त लग जाएगा, हमारे सभी मजहबों के और सभी संगठनों के अग्रणी भाई बहन, इस देश की सारी सात्विक शक्तियां, सारी आध्यात्मिक शक्तियां, सभी जाति पंथ और मजहब, ग्रामवासी, वनवासी, आदिवासी से लेकर के हर भारतवासी इस अभियान में हमारे साथ में है और उनके करोड़ों हाथ हमारे हाथ में हो जाए। जैसे एक छोटी सी तहसील में मैं गया और वहां पर मैंने देखा, अरे आप तो यहां पूरे हिंदुस्तान भर से आए हैं, वहां एक तहसील से हो जाए तहसील में 1,00,000 से ज्यादा लोग वहां पर आए। ये असम की बात कर रहा हूं। ये आंदोलन केवल दिल्ली के लाल किले मैदान पर नहीं हो रहा है। और याद रखो, दिल्ली में बैठ करके सरकारें चला सकते हैं लेकिन सरकार बनाने वाले लोग हिंदुस्तान में बैठे हैं, गांव में बैठे हैं। वो गरीब हैं, वो वनवासी हैं, वो आदिवासी हैं, भले ही वो गरीब हैं लेकिन उनके दिलों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी बसती है और वो लोग पूरे जज्बे के साथ इस आंदोलन में खड़े हो चुके हैं। ये एक दिन की रैली नहीं है रामलीला मैदान की, या तो हर दिन करीब 2,00,000 लोगों की सभाएं हो रही हैं और ये सभाएं तब तक होती रहेंगी, ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा, ये क्रांति अभियान तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक इस देश में से भ्रष्ट सत्ताओं का, भ्रष्ट व्यवस्थाओं का, भ्रष्टाचार का अंत नहीं हो जाता और देश का लूटा हुआ धन देश को वापस नहीं मिल जाता। पहला लूटा हुआ वापस लेना है, ये तो हमारे सामने एक चुनौती है और वह भी थोड़ा नहीं है। आज सभी कार्यकर्ताओं को यहां से कुछ लिटरेचर भी दिया गया है, छोटे छोटे 2 पेज आपको दिए गए हैं। काला धन व भ्रष्टाचार को खत्म करने के 5 उपाय, दूसरा भ्रष्टाचार और काला धन के 5 मुख्य स्रोत। मैं इसलिए इस बात को थोड़ा सा यहां से कहना चाहूंगा, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। जैसा कि हमारे जेठ प्रणानी साहब कह रहे थे और सब वक्ताओं ने कहा, 400,00,000 करोड़ कोई छोटी की, ये कोई इसको हल्के में लेना, या इसको हम ये सोचे कि ठीक हाँ हम कर रहे हैं देखेंगे। 400,00,000 करोड़ रुपए इतनी कीमत होती है, इतना पैसा होता है
कि एक जिले को विकास के लिए 50 से 60 हजार करोड़ रुपए मिल सकता है और हम ये दिलवाएंगे, तो ये हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा। अरे आज हमारे पैसे से IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, WHO, UNO चल रहा है, और हिमाकत देखो अमेरिका की कि UNO का स्थायी सदस्य मानने के लिए हमको तैयार नहीं। अरे थोड़े दिन इंतजार करो, UNO यही बना देंगे। अरे इतनी ताकत है इस हिंदुस्तान के पास तो, अरे हम इस देश को तो नहीं, हम पूरी दुनिया हिला देंगे। इतनी शक्ति इस हिंदुस्तान के वतन के लोगों में है, और वो सात्विक लोग जिनको बार बार दबाया जाता था और डराया जाता था, अरे सरकारों की ताकतों से हम नहीं डरते। हम यदि सिंहासनों पर बैठाना जानते हैं तो हम सिंहासनों को ऊपर बैठे हुए लोगों को उठाना भी जानते और संसद में से उनको खींचना भी जानते हैं, और ऐसे लोगों को सिंहासनों पर बैठाना भी जानते हैं जो इस देश को बचाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। हमको सिंहासन नहीं करना, हम तो आसन ही करने वाले हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों को शीर्षासन भी करवाने वाले हैं। हमको सिंहासन नहीं पाना, हमको सत्ता और संपत्ति नहीं पानी, क्योंकि इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जो हमें प्यार दिया है, शायद वो प्यार इस दुनिया में किसी किसी व्यक्ति को ही नसीब हुआ। सत्ता और सिंहासन हमारा ध्येय नहीं, लेकिन हम अपनी प्राणों की बाजी लगा करके भी, मैं एक अकेला रामदेव नहीं, इस 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान के लोगों ने कसम खाई है, हम किसी भी कीमत पर भारत को बचाएंगे। भाई बहनों, मैं बस बहुत संक्षेप से अपनी बात कहना चाहूंगा। बहुत सी चीजें हुई आज की रैली में भी, रात को ही पानी भर दिया गया यहां पर जिससे कि लोग बैठ ही ना पाए। अरे तुम पानी क्या, यहां समुद्र भी बना देते उसमें भी ये लोग आकर के बैठ जाते। अरे तुम दिल्ली आने से रोक सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान में बैठे हुए लोगों को अब इस क्रांति करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और ये जो आज भाई बैठे हैं, याद रखना, ये जो भाई बैठे हैं ये कोई किराए के लाए हुए लोग नहीं है, ये अपनी जान नौछावर करने के लिए आए हुए लोग। यहां बहुत रैलियां हुई हैं, और भारत माता की, भारत माता की, क्योंकि हम विकेंद्रीकरण के पोषक हैं, हम पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के समर्थक नहीं। हम तो चाहते हैं कि इस देश के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर खुशियां आए। विकास इसको नहीं कहते कि एक समृद्ध व्यक्ति ने और कितनी संपत्ति अर्जित कर ली है, सच्चा विकास इसको कहते हैं कि देश के अंतिम व्यक्ति की जिंदगी में कितनी खुशियां आई हो, कितने सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी रहा। क्योंकि दिल्ली वालों को यदि अब नहीं समझ में आया दिल्ली में आने के बाद भी, तो हम इनको पूरी देश की जनता से ही सबक सिखाएंगे कि या तो अपना संवैधानिक दायित्व निभाओ और 5 काम करो, मैं अभी बताने वाला हूं, नहीं तो यदि तुम अपना संवैधानिक दायित्व नहीं निभाओगे तो ये देश की जनता अपना संवैधानिक दायित्व निभाने के लिए तैयार बैठी है, ये उन लोगों को संसद में बैठाएगी जो अपना संवैधानिक दायित्व निभाए। भाई बहनों, जरा हम क्या कह रहे हैं, बस 2-3 मिनट की बात, कि ये काला धन कितना है आप सबकी जानकारी के लिए, और यहां प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, हमने बहुत छोटे छोटे 5 पॉइंट बताए हैं कि काला धन कितना है और कहां से पैदा हो रहा है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 2 से 3% मनी इन सर्कुलेशन होना चाहिए, माने यदि 16 करोड़ रुपए की देश की अर्थव्यवस्था है तो 2-3 लाख करोड़ रुपए उस देश के अंदर छपा हुआ नोट होना चाहिए। हम तो भाई देखो, किसान के घर में पैदा हुए, अनपढ़ माँ बाप के घर में, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को आम आदमी की भाषा में ही समझाते हैं, सीधा सीधा बता रहा हूं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यदि 16 करोड़ है तो उस देश की अर्थव्यवस्था में 2 से 3% मनी सर्कुलेशन होना चाहिए, हमारे सब पढ़े लिखे महानुभाव इस बात को जानते हैं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में इन भ्रष्ट बेईमान और चोर गद्दार लोगों ने रिजर्व बैंक को बार बार ऑर्डर करके डंडा करके 10 लाख करोड़ रुपए भारत की अर्थव्यवस्था में डाले हुए हैं। जरा सोचना, ये बात मैंने आम आदमी की भाषा में कही है। यदि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 16 करोड़ रुपए है,
जिसको जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, तो कितना पैसा होना चाहिए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में? 2 से 3 लाख करोड़। और यहां अर्थव्यवस्था है करीब 60 लाख करोड़ की, तो कितना पैसा होना चाहिए यहां? मुश्किल से 1.5 से 2 लाख करोड़। फिर ये 10 लाख करोड़ रुपए के नोट क्यों छाप रखे? ये बेईमानी करने के लिए छाप रखे। और इसमें भी जो बड़े नोट हैं उनकी जो केवल 500 हजार के, 100 के तो छोड़ो, यदि 100 को गिन दिया जाए 90% से ज्यादा इसमें बड़े ही नोट है, बताओ। और इसमें 76.4, ये राम जेठमलानी साहब ने भी, जेठमलानी साहब आपने, आपसे भी मैंने मंगवाया था आईटीआई के तहत कितने नोट बड़े छापे, और फिर हमने भी मंगाया, तो हम तो 2 साल से इसी काम पर लगे पड़े थे। अब इस आपको एक खास बात ही बताना चाहता हूं, राम जेठमलानी साहब को तो 2 दिन में सूचना दे दी, क्योंकि इनसे डर लगता, हमको सूचना देने में 2 महीने लगाते, तो हमने सोचा अब जो भी सूचनाएं मंगानी होंगी इन्हीं से मंगवाया करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब इनको देखो, अब दिमाग है तो भाई ये कोई साधु संत महात्मा तो नहीं है, ये एक पेशी पर जाते हैं तो लोग इनको 5-5, 10-10 लाख रुपए देते हैं, या तो अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए आए हैं, कितनी बड़ी बात है, जोरदार अभिनंदन है इनका। और बोले बाबा जहां जरूरत पड़ेगी वहां खड़े मिलेंगे। जरा सुनना, 10 लाख करोड़ रुपए भारत, ये सबके लिए बता रहा हूं मैं, कि जो लोग कहते नहीं 400 लाख करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे बाबा, अरे आरोप नहीं हकीकत बता रहे हैं, और पढ़े लिखे लोगों के अब दिमाग के कपाट खुल जाने चाहिए। 10 लाख करोड़ रुपए यदि मनी इन सर्कुलेशन है तो भारत की अर्थव्यवस्था कितनी होनी चाहिए बोलो? करीब 400 से 500 लाख करोड़। इसका मतलब ये अर्थव्यवस्था तो खड़ी हुई लेकिन पैसा जमा हो गया काले धन के रूप में देश के बाहर और भीतर, ये प्रमाण है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। मुझे कोई यहां पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो या टैक्स जस्टिस नेटवर्क, जिस पूरी दुनिया के काले धन की अर्थव्यवस्था के ऊपर अध्ययन करने वाली सारी संस्थाएं हो, मैं उसका उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के आधार पर अपनी बात कर रहा हूं। फिर इस बड़े नोटों का प्रयोग कहां किया जाता? देखो एक बात, अभी जो है यहां पर सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, यदि 1000 का नोट है, किसी के पास है 1000 का नोट? महात्मा गांधी जी का नाम देश में और तो कहीं दिया नहीं, जब बहुत दबाव डाला तो एक मनरेगा के नाम पर महात्मा गांधी का नाम कर दिया, बाकी तो हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा योजनाएं, सरकारी संस्थान एक ही परिवार के नाम से चल रहे हैं। जरा समझे होंगे आप इस बात को, क्या इसे माना? मैं तो देखो साधु संत फकीर व्यक्ति हूं, इसलिए बहुत निष्पक्ष भाव से एक बात कहता हूं, माना कि उसे एक परिवार ने भी कुछ बलिदान दिया होगा, कुछ काम किया होगा, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन क्या इस हिंदुस्तान में एक ही परिवार ने बलिदान शहादत दी है? इस देश में जितनी भी सरकारी योजनाएं और संस्थान बने हुए हैं, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान एक परिवार के नाम कैसे कर दिया गया? इस हिंदुस्तान में कुछ संस्थान, राष्ट्रीय संस्थान और कुछ योजनाएं भगवान राम के नाम से चलती, भगवान कृष्ण के नाम से चलती, भगवान बुद्ध और महावीर के नाम से चलती, इस देश में कुछ योजनाएं हमारे मुस्लिम फकीरों के नाम चलती, इस देश में कुछ योजनाएं प्रोफेट मोहम्मद साहब के नाम से चलती, ईसा मसीह के नाम से चलती, इस देश में कुछ योजनाएं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के नाम से चलती, अरे सुभाष चंद्र बोस के नाम से चलती, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद के नाम से चलती। क्या उन्होंने शहादत नहीं दी? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोई शहादत नहीं दी? जो लोग देश के लिए गाते हैं उनको भारत रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, प्रसन्नता है हमें, सबको पुरस्कार दो। अरे जो लोग देश के लिए गाते हैं उनको भारत रत्न पुरस्कार दो, हमें प्रसन्नता है, लेकिन जो लोग देश के लिए मर गए उनको भी भारत रत्न दो। इस देश में शहीद है तो भगत सिंह को क्या भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? क्या इस देश में चंद्रशेखर आजाद को, महर्षि दयानंद को, क्या सुभाष चंद्र बोस को, और खंड खंड बटाए भारत जिन्होंने अखंड किया, 565 रियासतों को एक सूत्र में बांधा, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लोह पुरुष को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? लेकिन ये क्यों नहीं देते?
ये नई आइडियोलॉजी खड़ी नहीं करना चाहते। कहते हैं बाबा हिसाब दो। अरे मैंने कहा हमारे हिसाब तो पाई पाई का हिसाब ऑडिट होता है, हर वर्ष जमा कराया जाता है। अब तो ये देश की जनता तुमसे हिसाब मांगेगी, तुमने कितना देश लूटा है। मैं एक व्यक्ति के खिलाफ आज भी नहीं बोलूंगा, लेकिन वर्तमान जो केंद्र सरकार है इसका करीब 55 वर्षों तक राज रहा है और इसके राज में करीब 400 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं हिंदुस्तान के। माना कि दूसरी पार्टियों को हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन यदि दूसरे दोषी हैं 1-2%, तो 99% दोषी ये हैं जो अब सरकार में बैठे। सरकारों के ऊपर बैठना ही जिम्मेदारी नहीं है, सरकारों के रहते हुए जो पाप देश में हुआ उसकी जिम्मेदारी से भी केंद्र सरकार दी है। 5 उपाय मैं बता रहा था, माध्यम एक, ये बड़े नोट छाप करके करीब 400 से 500 लाख करोड़ रुपए की काले धन की अर्थव्यवस्था खड़ी की। 100,000 रुपए का नोट साल भर में यदि 100 हाथों में जाता है तो 1 लाख करोड़ रुपए बन जाता है, मनी इन सर्कुलेशन, जब बाजार में घूमता लक्ष्मी चंचला है ना। दूसरा, अवैध खनन करके, इस बात के ऊपर मैं पूरे हिंदुस्तान का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यूं तो रोज कहता हूं इस देश में, अरे जो लूटा सो लूटा, अब आगे भी सुन लो और पीछे की भी सुन लो। आज हमारे देश में 89 प्रकार के मिनरल्स हैं जिनका आर्थिक मूल्यांकन किया जाए तो वह है करीब 10,000 लाख करोड़ रुपए के। कुछ समझ में आया? बोले बाबा इतना पैसा देखा ही नहीं कभी। जरा सुनना, लोहा है 15.15 बिलियन टन शुद्ध लोहा, नॉट आयरन ओर, इसकी कीमत है 550 लाख करोड़। अरे अगला और सुन लो, कोयला 276.8 बिलियन टन, इतना तो ढूंढ लिया गया है, बाकी भी जो नहीं ढूंढा गया उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इसको कहते हैं नॉन रिजर्व्स, या तो जो भंडारण है। कितना बताया मैंने कोयला, कितना बताया 276.81 बिलियन टन। बोले बाबा बिलियन ट्रिलियन अपने को समझ में नहीं आते, देसी भाषा में बता दे तो देसी भाषा में समझ लो। ये इतना कोयला है, इसका आर्थिक मूल्यांकन किया जाए तो ये 950 लाख करोड़ रुपए का है। ये जो मैं बातें इसलिए बता रहा हूं, जाके गांव गांव में पगड़ी वाले बापू को बताना, गरीब मजदूर को बताना, किसान को बताना, हमारे मुसलमान भाइयों को बताना, हमारे ईसाई भाइयों को बताना, और सबको बताना हम एक दूसरे के शत्रु नहीं। अब हिंदू और मुसलमानों को आपस में नहीं लड़ना है, हम सबको मिलकर के इन भ्रष्ट और बेईमान लोगों को बेनकाब करना है। उस दिन हिंदू भी बचेगा, मुसलमान भी बचेगा, मुसलमान का भी बच्चा गरीब नहीं रहेगा, हिंदू का भी बच्चा गरीब नहीं रहेगा। जरा सुनना गौर से बात, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं सबको जाके बताना। क्या, अरे अपने देश में 1500 लाख करोड़ का तो लोहा और कोयला ही है, जो हीरा है, जो एल्युमिनियम है, जो चांदी है, जो सोना है, और तमाम धातुएं 89 प्रकार के, 89 प्रकार के भू संपदाएं हैं। कितने प्रकार की हैं और उनकी कुल कीमत कितनी है? 10,000 करोड़ मत बोल देना। बोला बाबा ये समझ में नहीं आता राग अभी भी, इतना पैसे। और जरा सुनो अगली बात, 200 लोगों को लीगल माइनिंग करने के लाइसेंस दिए हुए, कितने लोगों को लगभग, और इलीगल माइनिंग कितने कर रहे हैं है? ये तो पता है सबको। ये तो ट्रेनिंग पूरी हो गई। हम योग एजुकेशन भी देंगे, हम स्पिरिचुअल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन भी देंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन देंगे, लेकिन उसके साथ साथ एंटी करप्शन और पॉलिटिकल एजुकेशन भी देश के लोगों को देंगे। मैं यूके से कनाडा गया तो आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे संसद में बैठे हुए, मैंने कहा इनको क्या सिखा रहे हो? बोले राजनीति सिखा रहे हैं। मैंने कहा मैं भी हिंदुस्तान में जाके सबको राजनीति सिखाऊंगा, मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मेरे हिंदुस्तान के लोगों को पता लगे कि देश की ताकत क्या होती है, और इन राजनेताओं के हाथों में ही ये सारा देश है, सारा वतन है, हमारी सेनाएं, सारी भू संपदाएं, सारे देश की जवानी, सारे देश का जल इनके कर्मों पर निर्भर करता है, इनका भविष्य। भाई सुनो जरा, ये 10 लाख करोड़ रुपए की प्राकृतिक संपदाएं, 1 लाख से ज्यादा लुटेरे इनको लूट रहे इनकी शह से, और उनमें खुद शामिल हैं। अरे एक मधु कोड़ा के ऊपर तो कोड़े डाल दिए, अभी तो बहुत कोड़ाओं के ऊपर कोड़े पड़ने बाकी हैं। एक को पकड़ लिया क्योंकि वो किसी पार्टी का नहीं था, निर्दलीय था। एक मधु कोड़ा को पकड़ के तो मारे कोड़े। बोले तू किसी पार्टी का नहीं है, अरे
पार्टियों में बैठे हुए मधु खा रहे हैं, तुम्हें भी कोड़े पड़ने बाकी है अभी। सुनो, दूसरी लूट, 1 लाख से ज्यादा लुटेरे देश को लूट रहे हैं और कह रहे अरे जी ये तो कुछ नहीं है, तो छोटी मोटी बात है। तीसरा, 200 लाख करोड़ रुपए के बजट बने, सारा झोड़ा साथ में लेके चलता हूं। 200 लाख करोड़ रुपए कहीं हिंदुस्तान में लगे दिखते हैं क्या? 200 लाख करोड़ कितना पैसा होता, अपना तो दिमाग चक्कर खा जाता है। हमें तो देश के लोगों ने खून पसीने की मेहनत की कमाई के 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए और हमने जो किया वो 64 वर्षों में किसी सरकार ने नहीं किया है। ये मैं नहीं कह रहा, इस देश के हिंदुस्तान के करोड़ों लोग कह रहे हैं। अरे हमने 1,000 करोड़ रुपए से देश की किस्मत बदल दी। अरे बेईमानो, तुम तो 400 लाख करोड़ रुपए खा करके बैठे हो और तुमको हर चोर नजर आता है। अपनी दृष्टि का इलाज कर लो, थोड़ा तुम भी अनुलोम विलोम कर लो। विकास योजनाओं का 200 लाख करोड़ रुपए में से मुश्किल से 10-20% लगाया होगा। अभी राम जेठमलानी साहब कह रहे थे, मैं व्यक्तिगत नाम उनकी बुराई करने के लिए नहीं लूंगा लेकिन उनकी बड़ाई, उनकी तारीफ में कुछ कहूंगा। स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा कि जो विकास के लिए पैसा भेजा जाता है वो 10-15% लोगों के पास पहुंचता है। इसका मतलब 80% खा लिया जाता है। ये खा गए, ये तो खुद ही मान रहे। अच्छा, राजीव गांधी भ्रष्टाचार के बारे में बोले, महामहिम राष्ट्रपति बोले और अपने आप बोले तो इनको दर्द नहीं होता। जब बाबा भ्रष्टाचार के बारे में बोलता है तब इनको दर्द होता है, बेईमानों का, तब इनको आग लगती है, तब इनको बाबा मौत दिखाई देता है और बाबा की हत्या के षड्यंत्र ये रचते हैं। लेकिन मैंने कहा अरे इस बार तुम मुझे नहीं मार सकते, इस बार तो बाबा तुम्हारी मौत बनकर के आया है। और मैंने कहा जैसे कुछ चीजें होती है ना, बोले ये ब्लड प्रूफ है, ये वेदर प्रूफ है, ये फायर प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ है। मैंने कहा बाबा इस बार तो डेथ प्रूफ बनकर के पैदा हुआ है। कालोस्मि लोक क्षय प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्त हृदय पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे यवस्थिता प्रतिनिकेश योद्धा। भाई बहनों, चौथा, रिश्वतखोरी करके। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन तो टिप्पणी कर दी, बोले जैसे सरकारी दुकानों के ऊपर राशन के भाव लिखे रहते हैं ऐसे काम कराने के भाव भी लिख के रख दो। कितनी बड़ी शर्मनाक टिप्पणी किसी लोकतंत्र के लिए कि राशन की दुकानों पर जैसे भाव लिखे रहते हैं, मिट्टी के तेल का ये भाव है, चीनी का, दाल का ये भाव है, क्योंकि सस्ते में मिलते हैं। तो बोले काम के भी भाव लिख दो कि स्कूल चलाओगे, कॉलेज चलाओगे और मेडिकल कॉलेज बनाओगे तो इतने दाम लगेंगे, लिख करके रख दो। शर्म आती है हमको, रिश्वतखोरी कर। और टैक्स की चोरी, अच्छा टैक्स की चोरी चोरी कर रहे हैं, ये तो थोड़ा सा मामला है, ऊपर वाला ज्यादा खतरनाक है। चलो अब अंतिम बात, ये पैसा वापस कैसे आएगा? बता दिया 400 लाख करोड़ रुपए है। भाई 5 काम करने में सरकार को दिक्कत क्या है, बस ये बता दे। मुझसे बहुत से लोग सलाह दे रहे थे, बाबा जी आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा राजनीति नहीं है, राष्ट्रनीति है। और एक सन्यासी अपने सन्यास धर्म के साथ यदि राष्ट्र धर्म नहीं निभाता है तो वह अपने पूर्वजों की संस्कृति का पालन नहीं कर रहा है। भगवान राम और कृष्ण के जीवन को देखें, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र संदीप के जीवन को देखें, हम महायोगी श्री अरविंद के जीवन को, स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद को देखें, अपने अरे महात्मा गांधी को देखो। अरे जब जब इस देश पर संकट आया है संत फकीरों ने ही इस देश को बचाया है, ये इस देश का इतिहास है। भाई बहनों जरा सुनना, हमें एक आपसे बात कह रहे हैं, बहुत संकट है इस देश में, बहुत संकट है भूमि अधिग्रहण का। अब इधर से किसानों को लूट रहे हैं भूमि अधिग्रहण के नाम पर, एक सड़क बन रही है उसके 2-2 किलोमीटर दूर तक भूमि अधिग्रहण हो रहा है, भूमि के अंदर फर्टिलाइजर केमिकल्स डाल के धरती माता को नष्ट कर रहे हैं। 2 किलोमीटर एक सड़क के दोनों तरफ जमीन खरीदने की क्या जरूरत है? किसानों से खरीदी जाती है, क्या रेट से खरीद रहे हैं भाई? 20-22 लाख, और बेच रहे कितने में? 5 करोड़ में। 20 लाख में खरीद के 5 करोड़ में बेचने वाले सरकार चला रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर है। पूरा यूपी में घोटाला चल रहा है,
गरीब किसान, अरे उनकी जमीन को उपजाऊ जमीन, उसमें गन्ना बोते, धान बोते, तो एक साल में वो लाखों रुपए उसमें से एक एकड़ जमीन में से कमा सकते, 5 साल में 5 लाख कमा लेते। लेकिन उनको 5 लाख दे के, 10 लाख दे के और 5 करोड़ में बेच रहे, 5 लाख किसान के और 5 करोड़ सरकार के। क्या है अत्याचार? भाषा के नाम पर षड्यंत्र, गोमाता की हत्या के नाम पर षड्यंत्र। देश में भ्रष्टाचार और पाप के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है, अपराध है। क्या इन्होंने व्यवस्थाएं बना दी? भाई बहनों, मैं एक बात ये कह रहा था, सरकार को 5 काम करने में दिक्कत क्या है? हम कहते 5 काम करो, हम अपना आरोग्य का काम और आध्यात्मिक भारत निर्माण का काम कर लेंगे। तुम 5 काम कर दो। 1 काम, कठोर कानून बनाओ। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी रोज बोलते हैं कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, दंड दिया जाएगा। डंडा है ही नहीं, डंडा है ही नहीं, बोला दंड दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ दंड का यह विधान होना चाहिए, जो धन लूटा है उनसे वसूली होनी चाहिए और उनको सूली पर चढ़ाना चाहिए, जिससे आगे तक लोगों को आंखें हो जाए, जो ऐसा करेगा वो ऐसे ही मरेगा। जो भ्रष्टाचार करे, मिलावटखोरी करे, मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करे, बलात्कार करे, इन 3 को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। कानून तो तुरंत बनना चाहिए। 1, कठोर कानून और करेंसी रिकॉल करो, बड़े नोट वापस ले लो, बड़े नोट वापस ले लो। इसमें तो कोई विदेशों के साथ संधि करने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम, 2006 से पेंडिंग यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन पास करो, उसे 140 देशों से धन आ जाएगा। क्यों नहीं करते? इसका मतलब क्या, खुद ही जमा करा रखा है? मॉरिशस रूट को तुरंत बंद करो, और जो मॉरिशस रूट से पैसे लेके आए उन सबके पैसे जब्त करो। अरे एक और बड़ी बात, फॉरेन अकाउंट पॉलिसी डिक्लेयर करो, ये तो है ही। चौथा, पांचवी जो एक खास बात आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन मैंने ये बात कही ना, इनका मिर्च लग गई सबके। ये मेरे पास में इनके बेईमानों का एक बहुत बड़ा पाप है। पहले चोरी करके स्विट्जरलैंड इनको पैसे भेजने पड़ते थे, अब उन स्विट्जरलैंड वाले चोर बैंकों को जो काला धन जमा करते हैं उनको यहीं बुला लिया है। क्यों, कितना बड़ा अपराध! सबसे बड़ा चोर बैंक क्या है स्विट्जरलैंड का? अरे जोर से तो बोलो, यूबीएस को सबसे पहले बुलाया इन्होंने। ये रिजर्व बैंक की वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है, 4 बैंक स्विट्जरलैंड के यहीं बुला लिए। बोले पहले हम 1000 करोड़ रुपए लूटते थे, अब 2 लाख करोड़ रुपए लूट रहे हैं, ले जाने में दिक्कत होती है, प्लीज यहीं आकर के ले जाए। 4 स्विट्जरलैंड के बैंक। अच्छा, स्विट्जरलैंड के तो बुलाए सो बुलाए, जब मैंने ये बोला ना कि 8 बैंक इटली के भी हैं, तब तो आग क्या मानो प्रलय हो मच गई। अच्छा, इटली के 8 बैंक यहां क्या कर रहे हैं? भाई आप लोगों ने किसी ने इटली के बैंक में पैसा जमा करवाया क्या? किसी ने करवाया है क्या? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी पैसा नहीं जमा कराया इटली के बैंक में? मंच वालों ने भी हाथ खड़े कर दिया, किसी के नहीं है। तो ये किसके हैं भाई, कौन जमा कराता है? अच्छा तो सुनो, ये स्विस बैंक यूबीएस में, इनमें किसने पैसा जमा कराया है क्या? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्विट्जरलैंड के बैंकों में पैसा नहीं जमा कराया? तो फिर इनको क्यों बुलाया भाई यहां पर, हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। अब ये मैंने बात कह दी तो इनके मिर्च नहीं, इनका तो गोला लाठी लागी। बोला ये बाबा क्या बोल रहा है? भाई बहनों सुन लो, ये 400 लाख करोड़ लाना है, गोहत्या के पाप से भी देश को बचाना है, विष मुक्त कृषि की व्यवस्था को लाना है, भाषा के नाम पर इस देश के करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, कोई भी दुनिया का स्वतंत्र देश विदेशी भाषा में नहीं पढ़ता है, वो भी अन्याय मिटाना है, स्वतंत्र भारत में जो अंग्रेजी तंत्र चल रहा है उसको भी मिटाना है, शराब की जो नदियां बह रही है इनको भी खत्म करके दूध की नदियां, घी की नदियां यहां पर बहानी है, ये सब कुछ करना है। और सुनो, अरे ये अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा तक और कैलाश मानसरोवर जो भारत का मुकुट है उसको भी भारत में वापस मिलाना है, ये सब काम करना है। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे बहुत कुछ करना है। बस आज इसी संकल्प के साथ बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन बस मैं अंत में यही कहता हुआ, सबको धन्यवाद देता हुआ जिन्होंने यहाँ
इतनी श्रद्धा से, निष्ठा से, इतने अनुशासन से एक बार सभी खड़े होकर के मेरे साथ बोलेंगे, आज चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिन, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भारत माता की, वंदे वंदे। तो आज इसी संकल्प के साथ कि हमारा ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक देश में गद्दारी नहीं मिट जाती, भ्रष्टाचार नहीं मिट जाता, देश का लूटा हुआ हक उसको नहीं मिल जाता और आगे से लूटने के लिए कानून नहीं बन जाता। पांच मांगे जब तक नहीं मानेगी सरकार तो हम भी मानने वाले। यदि सरकार अपना संवैधानिक दायित्व नहीं निभाएगी तो हम अपना संवैधानिक दायित्व निभाएंगे और इन भ्रष्ट बेईमानों को सबक। योग ऋषि अब श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद तो हमेशा हम सबके साथ है, पूरे देश के साथ है। हजारे साहब को इस देश में कौन नहीं जानता, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को बरसों से बुलंद की हुई है। आज उस आवाज में, श्रद्धेय स्वामी जी की आवाज में वह आवाज मिली और वो आज वह आवाज कई हजार गुनी होकर के इस देश में गुंजायमान हो रहा है। तो ऐसे हमारे अन्ना हजारे साहब को मैं आमंत्रित करते हुए उनसे आग्रह करता हूँ कि अपनी ऊर्जा से जिस तरह से अपने राष्ट्र की सेवा की है उसी तरह से हम सबके हृदय में भी उस ऊर्जा को आप भर दें। आदरणीय स्वामी जी, आचार्य जी, आदरणीय व्यासपीठ, सभी मेरे भाइयों बहनों, जयप्रकाश नारायण ने जो एक आंदोलन छेड़ा था उसके बाद पहली बार इस देश में इतने बड़ी रैली निकल रही है, तो एक आशा का किरण है। अभी बहुत से लोग जीवन में नैराश्य लेकर चले थे कि अभी क्या होगा इस देश का, लेकिन उनको यह सब जवाब मिला है कि नहीं, अभी भी समय गया नहीं, इस देश को हम खड़ा करेंगे। वो खड़ा करते समय स्वामी रामदेव बाबा दो बातों का हमेशा ध्यान रखते हैं। बलशाली भारत खड़ा करना है ना, तो हमेशा बाबा हमें संदेश देते हैं, एक ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, और दूसरा है करप्शन को ब्रेक लगाना। एक ही ना सिक्के के दो बाजू है, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में लगा हुआ पर्कुलेशन को रोकना, ये दोनों बातें इस देश के लिए बहुत जरूरी है। और वो हमेशा इसी उपदेश हमें करते हैं, जैसे हम लोग एक गांव हाथ में लिया, जिस गांव में पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, उस गांव से तरकारी विदेश में चली गई। वो काम हमें करना है सब कार्यकर्ताओं ने। मेरा कहने का मतलब है कि बाबा हमें जो संदेश दे रहे हैं कि बलशाली भारत का सपना हमें पूरा करना है, लेकिन आप एक सैनिक बोलकर इस मोमेंट में जो आए हैं उसमें तीन चार बातों का ध्यान रखना। पहले चारित्र है, शुद्ध आचार होना। बाबा के जीवन में हमें क्या दिखाई देता हुआ, यही तो बातें हैं। शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, और जीवन में थोड़ा त्याग होना। त्याग, त्याग के बिना नहीं होगा। ये हजारों साल की परंपरा हमारी वो त्याग सिखाती है। त्याग, खेती में देखते हैं ना हम, दाना से भरा हुआ भुट्टा, ज्वार बाजरा मक्का का भुट्टा खेते में दिखाई देता है, लेकिन वो कब दिखाई देता है, पहले एक दाना त्याग करता है, एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है, तब भुट्टा नजर आता है। पहले एक दाना जमीन में नहीं गया तो भुट्टा कैसे नजर आएगी। बाबा का जीवन क्या कह रहा है, एक दाना, तो एक दाना बनने की जरूरत है, वो जमीन में वाला जाना, जमीन में जाने वाला दाना। बहुत से दाने ऐसे सोचते हैं, क्यों जमीन में जाना,
मुझे तो रहने के लिए माड़ी है, घूमने के लिए गाड़ी है, माई जमीन में क्यों जाना? जो दाने ऐसे सोचते हैं जमीन में क्यों जाना, वही दाने नष्ट हो जाते हैं। जो दाने जमीन में नहीं जाते हैं वही दाने चक्की में जाते हैं, पीसते हैं और उनका आटा बनता है। आटा किन दानों का बनता है? जो जमीन में नहीं जाते उनका आटा बनता है। तो ये हमें जीवन में सोचना है। एक स्वामी विवेकानंद की किताब हाथ में आई, पढ़ना शुरू कर दिया, जीवन का धागा हाथ में आ गया। क्या समझ में आ गया? हर एक इंसान के लिए जीवन मिला, सेवा के लिए मिला। सेवा, सेवा में है मानव सेवा, जन सेवा, ये भगवान की पूजा है। मेरी फिर से विनंती, अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते, हार्ट अटैक, ऐसे हार्ट अटैक आकर मरने से अच्छा है देश सेवा में मृत्यु आ गया तो हमारा सौभाग्य है, देश सेवा के लिए मृत्यु आ गया। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय श्री राम जेठमलानी जी, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध कानूनविद हैं, आपके विषय में श्रद्धेय स्वामी जी बताएंगे। भाई राम जेठमलानी जी को मैंने कहा कि आपको आना है, मुंबई में थे और घंटू वहां से सफर करके सीधे एयरपोर्ट से यहां आ रहे हैं। अब भगवान ने इन जैसा दिमाग भी शायद दुनिया के कुछ चंद व्यक्तियों को दिया होगा, जैसे हमारी श्रद्धेय बहन लता जी के सर पर हमको गुमान है, तो ऐसे इनके मस्तिष्क और इनके जज्बे पर भी हमको बहुत सा अभिमान है। एक बार जोरदार अभिनंदन। मेरे हिंदुस्तान के भाइयों, बहनों और नौजवानों, मुझे आज एक तकलीफ हो रही है। ये स्टेज पे जो भीड़ लगी हुई है वो संतों की, महात्माओं की, पादरियों की, इमामों की, मगर उनमें से मुझे एक भी पापी नजर नहीं आता। डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, पापियों की भी कुछ रिप्रेजेंटेशन स्टेज पे होना चाहिए और मुझे खुशी है कि वो पापी मैं हूं। मुझे कोई तजुर्बा नहीं इतने संतों के बीच में भाषण करने का, लेकिन दोस्तों ये बड़ी बात है कि मुझे कहा गया है कि 2 मिनट लो, मैं इसी हुक्म का पालन करने वाला हूं। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो काले धन की बात हो रही है, ये काला धन कितना काला धन है। ये रकम इतनी है कि अगर हिंदुस्तान में आ जाए और बांटी जाए तो हिंदुस्तान के हर एक परिवार के घर में कम से कम 2.5 लाख रुपया पहुंचेगा। कोई गरीब नहीं रहेगा, गरीबी निकल जाएगी। 30 बरस तक ये जो बजट के भाषण सुनते हो बड़े बड़े, बजट में एक भी टैक्स डालने की कोई आवश्यकता नहीं। हिंदुस्तान के ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा रातों रात खत्म हो जाएगा। ये इतनी रकम है जिसके लिए आज हम लड़ाई कर रहे हैं और इतनी भीड़ यहाँ हाजिर है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों कांग्रेस सरकार बहुत जमाने से हमको कहती आती थी कि हिंदुस्तान गरीब है और हम गरीबी को हटाएंगे। हमारे हिंदुस्तान का गरीब जो बेचारे के दिमाग में इतनी रोशनी नहीं, मगर वो समझता है कि मैं गरीब हूं और जो भी गरीबी को निकालने का सिर्फ दावा करता है वो उसके पीछे लग जाता। बरसों तक हम गुमराह रहे, बरसों तक हम ये बात मान चुके कि हिंदुस्तान गरीब देश है, कोई ना कोई हमको औलिया चाहिए जो इस गरीबी को जाके निकाले। हिंदुस्तान के आवाम को गरीब बनाया गया है क्योंकि हमारे देश के अंदर वही डाकू, वही चोर बैठे हैं जो हिंदुस्तान के आजादी से पहले हमारे हिंदुस्तानियों के संपत्ति की चोरी करके
वो इंग्लिस्तान और यूरोप को निहाल करते थे, मगर हमारे हिंदुस्तान की जनता गरीब रह जाती थी। मैं तो समझता था कि स्वामी रामदेव वो इंसान है जो हमारा जब भी मृत्यु के बाद जब भी हम दूसरे किसी देश में जाएंगे, वहाँ हमारे रास्ते का, हमारे राह का रोशन करेगा उसको। मैं उसी उम्मीद में था, मगर मुझे ये उम्मीद नहीं था कि इसी बड़े संत महात्मा ने ये भी जनता का काम उठा लिया है हाथ में कि इन 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 बेईमानों को हम कैद की हवा खाने के बगैर नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, मैं छोटा सा वकील हूं, पापी हूं, मगर पापियों का भी कभी कभी काम होता है, और जब भी पापियों की ताकत इन संतों की ताकत के साथ मिल जाए तो उनके बाद उनसे तो इतनी ऐसी खौफनाक एक ताकत बनती है जो दुश्मन के दिल में धड़कन पैदा करेगी, और हो गई है धड़कन। सरफ आप अपना आवाज बुलंद रखो। मैं सिर्फ आपके सामने आज ये प्रतिज्ञा करने के लिए आया हूं कि मेरी जो भी ताकत बाकी रह गई है वो आखिरी सांस तक स्वामी रामदेव के चरणों में अर्पित है, जनता के सेवा में अर्पित है। मैं वकालत करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने ये पैसा रखा है अपने जेब में उनको जेल की हवा जरूर खिलाऊंगा। जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की। निश्चित रूप से इस देश की पीड़ा को इस देश के लिए जीने वाले लोगों से ज्यादा कौन समझ सकता है। इस देश के लिए जीने वाले, इस देश के लिए मरने मिटने वाले, इस देश के सम्मान को, गौरव को पूरी दुनिया में गुंजायमान करने वाले ऐसी महान विभूतियां इस मंच पर विराजमान है। उसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहन श्रीमती किरण वेदी जी को। बहन किरण वेदी जी का नाम याद आते ही एक ऊर्जा, एक जोश, एक पराक्रम सबके हृदय में आ जाता है और एक ईमानदारी का भाव भी छा जाता है। ऐसे वीर, पराक्रमी और ईमानदार और कर्मठ अधिकारी यहाँ इस देश की प्रथम महिला पुलिस अधिकारी के रूप में भी सब जानते हैं। बहन किरण वेदी जी इस देश को सुंदर बनाने के लिए अपनी शुभकामनाएं देंगे। बाबा रामदेव जी को प्रणाम करते हुए, उनके सभी साथियों को और संगत को प्रणाम करते हुए, मैं अपनी बड़ी खुशी प्रकट करती हूं कि इतना सुंदर आज एक भविष्य नजर आना शुरू हो गया है। हम एकत्रित होने लग गए हैं एक आवाज में, वो है भ्रष्टाचार विरुद्ध। इतने साल हो गए भ्रष्टाचार सहते सहते, अन्याय सहते सहते, आज एक आवाज हो रही है। और कितना धन्य है बाबा रामदेव जी की तपस्या का। वो सारे देश में हर दिन तीन हर जगह, चाहे वो पश्चिम है, चाहे पूर्व, चाहे उत्तर है, ये कहीं भी, वो हर जगह अपनी तपस्या लगाते हैं, योग सिखाते हैं, तंदुरुस्ती सिखाते हैं और साथ साथ भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाते हैं। तो साथियों, आज एक आवाज उठाने की बात है। आज कानून की बात हमको दूर दूर तक समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि कानून की बात हम करते नहीं है। हम अपनी समस्याएं जरूर बोलते हैं लेकिन साथ साथ कानून को समझते नहीं, कई बारी कानून को पढ़ते नहीं है। हमारे स्कूलों में कानून की किताबों में कानून नहीं लिखा। कानून वही जानते हैं जो लॉ स्कूल में जाते हैं। इसलिए आज हम क्या करने आए हैं यहाँ, हम ऐसा ही कानून मांगने आए हैं जिसमें चाहे वो काला दंड है, चाहे वो भ्रष्टाचार विरोधी है, वेल ऐसा कानून हो अगर वो व्यक्ति पकड़ा जाए उस जरूर वो व्यक्ति दंडित हो। तो वो कानून कौन बनाएंगे? अब आप पूछेंगे चलिए कानून बनाते हैं, लेकिन बनाएगा कौन कानून? कानून बनाने वाले ही खुद कई लोग भ्रष्ट हैं। जब देश को सही कानून मिलेगा तो सही ताकत मिलेगी। जब सही न्याय की ताकत मिलेगी तो जो दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे। जब दोषी पकड़े जाएंगे तो जो धन उन्होंने चोरी किया है वो धन वापस इस देश को मिलेगा। तो ही हमारे जो बाबा रामदेव जी की मेहनत है वो पूर्ण सफल होगी। मेरे भाइयों, आओ बाबा रामदेव की मेहनत को सफल करें और ऐसा कानून संसद से मांगे जो हम लोगों ने बनाया। मैं
आमंत्रित करता हूं भाई श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनका नाम जो आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में पूरा देश जानता है, जिन्होंने सूचना प्राप्ति कानून के तहत उन सूचनाओं को एकत्रित किया है, अपने जान को जोखिम में डाल करके भी कि यहाँ पर इस देश के लिए, देशवासियों के लिए कुछ होना चाहिए, जो गुप्त रूप से अदृश्य रूप से हो रहा है वह भी जनता के बीच में आना चाहिए। मैं भाई केजरीवाल जी को बुलाता हूँ। साथियों, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ ये जो आंदोलन छेड़ा है, सारे धर्मों को, सारे लोगों को, सारे देश को जोड़ने का ये जो बीड़ा उठाया है, अब एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बनी है कि अब तो देश सुधर के रहेगा। पिछले साल, दो साल, तीन साल से एक के बाद एक देश में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कांड सुनने को मिले हैं, देखने को मिले हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि इतना सबूत भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इतना सबूत सबके आने के बावजूद कोई जेल क्यों नहीं जाता? ऐसा क्यों होता है कि सबको पता है कि इसने इतने पैसे की चोरी की, इसके बावजूद कोई जेल नहीं जाता? एक बहुत बड़ी कमजोरी हमारे देश में जो है वो ये है कि हमारे देश के कानून बहुत ही सड़े गले कानून हैं। कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि हमारे कानून बहुत अच्छे हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होता, उनका कार्यान्वयन ठीक नहीं होता। आज आप जब यहाँ से जाएं तो अपने मन से ये निकाल दें कि हमारे देश के कानून अच्छे हैं। हमारे देश के कानून इतने सड़े गले हैं कि ये कानून भ्रष्टाचारियों को सजा देने के लिए नहीं है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बने हुए हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि इतना सबूत पब्लिक में होते हुए भी कोई जेल नहीं जाता। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो बाबा रामदेव जी ने मुहिम चालू की है, अंत में इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया। देश के अंदर ईमानदार अधिकारी भी हैं, ईमानदार नेता भी हैं, ईमानदार जनता भी हैं, परंतु उन ईमानदार लोगों की आवाज को चंद बेईमानों ने ऐसा दबा दिया है कि उस आवाज को बुलंद करने के लिए कोई जगह भी नहीं है। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व से, श्रद्धेय स्वामी जी के तप और स्वामी जी के पुरुषार्थ से आज उस आवाज को बुलंद करने के लिए इतना विशाल अपार जन समूह के बीच में, इतना बड़ा मैदान और इतना पूरा देश के अंदर आज एक माहौल और वातावरण बना है। हमारे बीच में बहुत सब तरह से सभी धर्मों के, सभी महजूबों के, सभी क्षेत्रों के, देश के विभिन्न पदों के प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति यहाँ पर हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सभी, जैसे मैंने बताया कि पूरे विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न धर्मों के नेतागण, विभिन्न धर्मों के हमारे धर्मगुरु यहाँ पर हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय मौलाना मुफ्ती समून कासमी जी को, जो प्रसिद्ध इस्लाम धर्मगुरु हैं, कि कुछ शब्दों में अपनी बातों को रखें। माननीय मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरंभ करता हूं मैं ईश्वर के नाम से जो बड़ा दयालु, अत्यंत कृपाशील है। दुनिया का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, और दोनों का मूल एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते वादहु ला शरीक। और उसने हम सबको एक ही नरो नारी से पैदा किया है। आज मैं ज्यादा बात ना कहते हुए संक्षिप्त में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब यह देश गुलाम था, अंग्रेजों का यहां राज था, तो यहां अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रोल की पॉलिसी को अपनाकर हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाने का काम किया था। तो उस वक्त के हमारे सबसे बड़े शेख, हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम और दारुल उलूम देवबंद के सबसे बड़े मौलवी हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने गांधी जी का बंदरगाह बंबई में जाकर स्वागत किया था, और उन्होंने मुसलमानों का आह्वान किया था कि वो आज गांधी जी के नेतृत्व में देश को आजाद कराने के लिए उनके पीछे
पीछे खड़े हो जाएं, तो आज मैं सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का आह्वान करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि वो आज इस हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार से, अनाचार से, अत्याचार से, बलात्कार से आजाद कराने के लिए और काले धन को विदेशों से वापस लाने के लिए परमादरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में आ जाएं। और मैं बिल्कुल निसंदेह ये कहना चाहता हूं कि स्वामी रामदेव का मिशन कुरान का मिशन है, वेद का मिशन है, गीता का मिशन है, रामायण का मिशन है और जुल्म के खिलाफ उनकी ये आवाज है। और मैं देख रहा हूं कि आज जो आप जनसमूह है वो स्वामी जी को आवाज दे रहा है कि स्वामी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे साथ में आए हुए हमारे इमाम बुखारी जो गाजियाबाद के शहर इमाम हैं, मौलाना मकसूदुल हसन और अन्य मेरे साथी और मेरे दोस्तों में, और बिजनौर के बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक सैलाब यहाँ पहुंचने वाला है। हमने उनसे कहा कि अभी नहीं, अभी तो थोड़े चलो, अभी तो हम सिर्फ टेलर दिखाना चाहते हैं। तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि स्वामी जी के पीछे पूरा देश खड़ा है। अंदाज बयां गर्चे बहुत खूब नहीं है, कहना चाहता हूं कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उम्र के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मयसर ना हो रोजी उस खेत के हर खोशाए गुंदुम को जला दो। जय हिंद। आपने सुना मौलाना साहब को क्या जज्बा है, क्या दिल में अरमान है इस देश के लिए, मां भारती के लिए, आपके जज्बा को सलाम। और इस राष्ट्र को उठाने का, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए मां भारती के वैभव को बढ़ाने का कार्य हम सबको, कि राष्ट्र धर्म जो है सब धर्मों से ऊपर है, राष्ट्र देव सब देवों से ऊपर है, इस भाव से हम सब यहां से इस आवाज को पूरे देश में बुलंद कर रहे हैं। योग ऋषि स्वामी